जहां एक ओर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वहीं इंदौर शहर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी कम नहीं है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को 48 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी पहुंचकर मरीजों को पुष्प देकर स्वागत किया। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अलग अलग थेरेपियों के द्वारा उनका मनोबल बढ़ाया गया। 25 मरीजों को पहले ही स्वस्थ कर इंडेक्स से घर भेजा जा चुका है। मंगलवार को 48 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। अब तक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 73 मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेजा जा चुका है। 50 व्यक्ति जा रहे हैं, ये वाकई में एक सुखद खबर है, अच्छी खबर है। मैं इंडेक्स के प्रत्येक परिवार के सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, उन डॉक्टरों को सलूट करता हूँ जिन्होंने इनका इलाज किया। मैं आभारी हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, जो स्वस्थ होकर आ रहे हैं इन्हें मेरी बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार से इंडेक्स के साथ अरविंदो के वहाँ से भी ठीक होकर निकले हैं, उनको भदौरिया जी को और विनोद भंडारी जी को भी, मैं दोनों को बधाई देता हूँ। और जो लोग इसमें जितने भी प्राइवेट के लोग काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर को, पैरा मेडिकल स्टाफ को, NM को, नर्स को, जो सिपाही से लेकर SP से लेकर कलेक्टर से लेकर IG से लेकर कमिश्नर से लेकर डॉक्टर से लेकर एक एक व्यक्ति को जो अपनी सेवा जान में जोखिम डाल के कर रहे हैं। क्या है आप ठीक कह रहे हो, आज इंडेक्स हॉस्पिटल ने एक और माइलस्टोन कवर किया है। 4 दिन पहले हमने 25 पेशेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ करके घर भेजे थे और आज हम 48 पेशेंट्स और घर भेज रहे हैं जो डबल नेगेटिव हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुश होके जा रहे हैं। अमन, उनको किस तरह से थेरेपी दी थी इससे पहले, कितने लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं? इससे पहले 4 दिन पहले मैंने आपको बताया कि 25 पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज होके गए थे। एक्सटेंडेड कीमोथेरेपी जो पेशेंट्स को दी जाती है वो दी, ऑन एडमिशंस इनका टेस्ट किया गया, ये पॉजिटिव पाए गए। स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो स्टैंडर्ड ड्रग्स के साथ देते हैं, HCQ, एजिथ्रोमाइसिन, टेमीफ्लू और सपोर्टिव मिनरल्स, सपोर्टिव विटामिंस के साथ वो दिया गया। इसके साथ साथ कोरोना का डर इतना फैल चुका है कि कोई भी थेरेपी तभी सक्सेसफुल होगी अगर पेशेंट का मोरल हाई है। लो मोरल में, डिप्रेशन में कोई भी थेरेपी काम नहीं करती। और हमारे पास फॉर्चुनेटली एक ऐसी टीम है जो पेशेंट्स को साइकोथेरेपी देती है, जो पेशेंट्स का मोरल बूस्ट करती है, जो उनका मनोबल बढ़ाती है। ये सारी टीम की एफर्ट्स का रिजल्ट है कि हमने इतनी जल्दी ये बड़े बड़े माइलस्टोन्स कवर करने शुरू कर दिए हैं। एंड गॉड विलिंग हम आपको खुशखबरी और भी देते रहेंगे। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं छुपाइए, बल्कि आगे रह के आइए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आगे रह के आइए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक होते हैं और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, 25 पेशेंट्स 4 डेज पहले, 48 पेशेंट्स आज और अगले आने वाले दिनों में भी हम आपको ऐसी खुशखबरियाँ देते रहेंगे। वहीं मंगलवार को घर लौटने वालों में 10 वर्षीय बालिका भी है जिसने हॉस्पिटल में डॉक्टरों का धन्यवाद दिया। वहीं बच्ची ने भी कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों के लिए अपील की है, वह इस बीमारी से घबराए नहीं, तत्काल आकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों से उचित इलाज कराएं। मैं कोरोना में पॉजिटिव थी जी। यहाँ कैसा लगा, यहाँ का वातावरण, मतलब यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टाफ और टाइम पे खाना और दवाई गोली दे रहा था ताकि मैं जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाऊँ। और मैं ये इंडेक्स हॉस्पिटल के स्टाफ को और इंडेक्स हॉस्पिटल को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बचाया है कोरोना। अब आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज स्वस्थ होके अपने घर जा रही हूँ।
ऐसे और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो घबरा रहे हैं यहाँ आने में, या वो डर रहे हैं इस बीमारी से, उनको कोई संदेश दोगी बेटा आप? हाँ, मैं देना चाहूँगी कि यहाँ आने से आप घबराइए मत, यहाँ आके आपको ही आपका ही फायदा है, आप अच्छे होंगे यहाँ आके। आपका नाम बता दो। मेरा नाम अलीना है। मोहम्मद नफीस। नफीस, कितने दिनों से यहाँ थे आप? स्वस्थ हो गए? 14 तारीख को आए थे। हाँ, 14 दिन रुके। क्या लग रहा है प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी आपको? बहुत अच्छी सुविधा दी है, सब ने बहुत अच्छा ख्याल रखा हम लोगों का, टाइम पे खाना पीना हर चीज़ बहुत अच्छे बढ़िया टाइम से दी। आज आप स्वस्थ हो गए हो, क्या संदेश दोगे जो लोग पॉजिटिव है या जो लोग छुपा रहे हैं इस चीज़? संयम बनाए रखें, हम से काम लें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें अंदर। आपका नाम? नफीस।